60, 55 एंड जो मेघना था वो 50 फुट के। अच्छा ये तो शूज लग रहे हैं ना, वो हाथ हैं। ये देखो भाई पटाखे बंधे हुए हैं, ये चेक करो यार भाई हाथ में कौन है उनके, कुमकर्ण के हाथ में देखो ना। पहली बार इतना पास में आके शूट कर रहा हूँ। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो भैया अभी ना अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं शूट पे, बिकॉज आज है दशहरा, कुछ सुबह सुबह का शूट करना है। टाइम दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये चेक करो कितना हो गया, 6:17 हो चुके हैं। सो हर्षित भाई आ रहे हैं, सोचा भाई व्लॉग भी कर लूँ, बिकॉज दशहरा व्लॉग भी दिखाना था आपको कि सिरसा में दशहरा कैसा बन रहा है इस बार। तो बस शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह ही, अभी तो भाई सूरज भी नहीं हुआ है, उनसे पहले हम भाई उठ चुके हैं। फाइनली पहुँच चुका हूँ सतनाम सिंह चौक, हर्षित भाई इस साइड से आएंगे एंड हमें इस साइड जाना है, बिकॉज जो रावण और कुंभकर्ण है ना वो ऑटो मार्केट में खड़े हैं इस बार। सो वी गेस कि अब तक मतलब कल शाम को या आप सुबह अर्ली मॉर्निंग को लगा दिया होगा, तो इसलिए इतने जल्दी जा रहे हैं। देखो शाम को तो हमको देखने को मिलेंगे ही, बट जो सुबह सुबह का जो भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो कैप्चर करने के लिए हम जा रहे हैं। सो फाइनली भाई हर्षित भाई आ चुके हैं। अरे गुड मॉर्निंग भाई साहब, खुल गई आँख आपकी। सो लेट्स गो। लोगों को लग रहा होगा कि हम वैसे ही टहलने जा रहे हैं, उन्हें क्या पता टहलने जा रहे हैं। अरे मतलब अपने को वो है ना, एक काम है। चलो 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 चलो। सो अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हुआ? रखे तो हैं। सो भाई अभी ना लगे नहीं है, वो ना रेस्ट कर रहे हैं, रात को सो गए थे, उनकी आज चैन की नींद थी। ये तीन है इस बार, लास्ट टाइम दो थे। सो लुक एट दिस गाइस, तीन जने मस्त गहरी नींद में, कुंभकर्ण तो गहरी नींद में है, जैसे ही उठेगा भस्म। एक्सक्लूसिव कंटेंट ओनली ऑन वासुदेव व्लॉग्स। सो भाई पता लग जाए तो मैं आपको बता दूं। अच्छा ये तो शूज लग रहे हैं ना, वो हाथ हैं, ये भी शूज़ हैं, सभी के शूज़ यहीं रखे हुए हैं। कितने अच्छे हैं ना ये, जूते निकाल के सोते हैं। ये क्या होंगे आशीष भाई, ये क्या लग रहे हैं आपको? सो पटाखे दिखाता हूँ भाई आपको पास से कि कैसा होता है एंड मैं आपको मतलब कैसे बंदे होते हैं। एक्चुअली राउंड बनाने वाले लोग अलग होते हैं एंड पटाखे लगाने वाले लोग अलग होते हैं। ये देखो भाई पटाखे बंधे हुए हैं भाई साहब, सारे सुतली बम है एंड हम इसे आलू बम भी कहते हैं, नीचे भी हैं उस साइड भी हैं भाई साहब। पेट को भाई पेट को पका देंगे। हेलो भाई हेलो। सो भाई बम्बू देखो यार कितना हार्ड वाला ना, पहली बार आया हूँ ऐसे मैं, ऐसे हम क्यों आएंगे, काम से आते हैं हम, काम से। उसमें भी है क्या पटाखे? ये क्या लगा हुआ देखो, ये देखो यार ये जो लगे हुए ना, पर ये कुछ अलग तरीके से जलेंगे जो कि हम शाम को ही दिखा पाएंगे आपको जब ये जलेगा। सो ये रावण है, आई गेस वो कुंभकर्ण रहे होंगे एंड ये है मेघनाथ। लोगों को ये भी नहीं पता कौन कौन होते हैं भाई, तीन राउंड जले ऐसे बोल देते हैं, तीन राउंड सेम ऐसा यहीं पे है। ये पूरी हाइट रहेगी भाई 10 फुट के आसपास एंड काफ़ी तगड़े वाला सीन है। अंदर जाके आऊँ क्या? तो सेम ऐसे यहाँ पे पटाखे लगे हुए हैं, ये पता नहीं क्यों बांध रखी है, आई गेस पूरा इसको अच्छी तरह जलाने के लिए, नहीं तो पूरा नहीं जलेगा ये राउंड भी। लाइक मैं जलूँगा तो अलग जलूँगा। तुम्हारे जलने में ऐसा क्या है? 60, 55 एंड जो मेघना था वो 50 फुट के। ये आप ही चलाओगे क्या राउंड को? ये गाइस देखो इनको ना शिफ्ट करते टाइम थोड़े ही ना फट जाते हैं, ये देखो ये आई थिंक पैर है इनके। सो अभी इनको बाय बाय कर दिया है, हम कहीं और जा रहे हैं अभी, अभी तो आई थिंक इनको लगने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो अभी आपको यहाँ ना बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बट जब ये खड़े हो जाएंगे शाम को इतनी भीड़ होने वाली है, इतनी भीड़ होने वाली है। सो वो भी आपको क्राउड दिखाएंगे। लास्ट टाइम व्लॉग बनाया था सो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था रावण जलते जलते,
सो इस बार भी ऐसे कुछ आई थिंक होने वाला है, बिकॉज इनका भी ना एक टाइम होता है, मुहूर्त होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जलाए जाते हैं। हम कोई नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे कहीं और भी राउंड जलेगा। वो विष्णु क्लब का है क्या? सो भाई पहुँच चुके हैं। अरे चेस्ट मारी है काफ़ी इसने, है ना? नहीं, कुंभकर्ण है वो। सो गाइस पहुँच चुके हैं, एंड ये बढ़िया लोग है भाई, पूरा रस्सी वगैरह बांध कर। आगे ले चलो आगे, ये चेक करो यार भाई, हाथ में कौन है उनके? कुंभकर्ण के हाथ में देखो ना, लास्ट डे है फिर भी नहीं मानते भाई साहब। रावण 32 ही दिखा रहा है, ये फेक स्माइल है इसकी। सो गाइस जो सिरसा में है ना विष्णु क्लब, तो ये पुतले उनके हैं, उनके कमेटी की तरफ से हैं। सो ये है सोने की लंका, मतलब बनाया हुआ उस जैसा। सो ये है रावण जी, एंड ये है कुंभकर्ण जी। कुंभकर्ण के हाथ में ना ये किसका बच्चा है ये? इसमें पटाखे होंगे क्या? ओ शेम शेम भाई, कहाँ डाल रखे हैं पटाखे देखो। कितने फुट का है भी है ये? 30-40 फुट। कोई आइडिया है इनको बनने में कितने पैसे लगे? एक पुतला 87,000 का। अच्छा, तो ये 87,000 में जो पटाखे वो मिला के है या पटाखे अलग मिला के? अच्छा। सो भाई मैं आपको बता दूं, जो ये रावण है ना, ये रावण एक्चुअली बनाया किसी और ने है, बट अंदर जो पटाखे वगैरह जो फिटिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके लिए स्पेशल आदमी होते हैं जो इनकी पूरी फिटिंग करते हैं, ये लोग हैं वो। इन्होंने भाई फिटिंग वगैरह की है, सो मस्त। एंड जो हम लास्ट जहाँ देख के आए थे वो राउंड भी इनके बनाए हुए हैं, और वहाँ भी पटाखों की फिटिंग आपने की है ना। हाँ। सो भाई अभी पता लगा है कि ना हर एक पुतले में 700 से 800 पटाखे, यानी कि जो सूतली बम होते हैं वो हैं। ये पूरा एक चम्मच डाल देंगे उसमें ऐसे, मतलब पूरा चम्मच बोले तो बारूद का। अच्छा, एक पटाखे में? हाँ, उसमें कम डालते हैं। चेक दिस आउट गाइस, कितने लोग भाई जा रहे हैं देखने के लिए। एंड टाइम चेक करो, 5:43 हो चुके हैं, एंड अभी इतना रश होगा आप सोच भी नहीं पाओगे। तो बस मैं तो ऑलमोस्ट पहुंच गया, दिस इज द वे। इतनी मिट्टी उड़ रही है, भीड़ चेक कर सकते हो आप, कितने लोग आए जा रहे हैं। इधर देखो भाई सीढ़ियों पर, एंड इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, रावण और कुंभकर्ण कोई नहीं दिख रहा। सो लुक एट दिस गाइस, तीनों भाई मस्त खड़े हुए हैं, एंड रावण की गर्दन टेढ़ी हो गई। तो यहाँ तीन थे जो आपको सुबह दिखाए थे, वहाँ से दो ही खड़े थे, एंड ये इवन बड़े हैं उनसे। तो यहाँ पे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, काफी रश है। अच्छाई और सच्चाई की जीत निश्चय होती है, हमेशा होती है, बेशक वनवास कितने ही समय का कटे, अपने प्रदेश में अपने देश में एक मैसेज दे सके, एक कोशिश कर सके। सो भाई बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका, चेक दिस आउट। सांसद महोदय भी पहली बार इतना पास में आगे शूट कर रहा हूँ, एंड या एंड पीछे का व्यू चेक करो भाई।
उसके लिए रामा कलब चैरिटेबल ट्रस्ट उनका हमेशा आभारी रहेगा। व्यवस्था बनाने में ये शूट करो पूरा सहयोग दिया। अरे यार उनकी जो ये देखा उन्होंने एक्सक्लूसिव कंटेंट आफ्टर रावण दहन। हम उनके भी आभारी है। ये बांसुरी वाला क्या करेगा? ये देखो भाई रावण की हड्डियां लेने जा रहे हैं, होती तो लकड़ी है भाई साहब। कोई मान सकता है यहाँ पे रावण जला है और लोग कैसे जा रहे हैं? अरे ये छत पे डालेगा। सही है भाई, सही है, सही है। अरे भाई ये शोल्डर के लिए आया लिगामेंट, ये रिब्स लिया है रिब्स। अरे भाई नाखून की हड्डी लिया है, नाखून की क्या लेके आएंगे? मैं तो ये दो टांगे दी खड़ी है जो मेन होती हड्डी। ले भाई ले आईब्रो की हड्डी लिया है भाई। मांग कैसे? ये देखो भाई लेडीज, ये तो भाई नाखून लेके जा रही है नाखून। भाई आ गई मेरे पास तो अपने आप ही आ गई, अपने आप आ गई भाई साहब। सो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही था, बाकी ब्लॉग एंड हो चुके हैं तो घर जाके दोबारा से एंड करेंगे। ठीक है भाई, बाय बाय।